दोस्तों, नीट छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है आज, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है सभी छात्रों के लिए। नीट के जो छात्र हैं जिन्होंने नीट 2019 में एंट्रेंस दिया था और 2019-20 के सेशन के लिए एडमिशन के लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो क्या है खबर आई को जानते हैं विधिवत और कैसी खुशखबरी हम बताएंगे आपको। दोस्तों, फिलहाल बता दें कि सबसे बड़ी निकल के आ रही है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से, जहाँ पर नीट के छात्रों के लिए निकली है बम्पर खुशखबरी। सीटें बढ़ी हैं और कैसे बढ़ी हैं, AWS कोटा के तहत हम आपको बताएंगे। आपको सबसे पहले करना क्या, आपको जाना है गूगल पे जाने के बाद आप देखेंगे mohfw.gov.in, इस ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाती है इन्फॉर्मेशन सबसे अच्छे तरीके से, और ये साइट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की। आपको करना क्या है, जाना है नोटिफिकेशन कॉलम पे, आप देखेंगे लिखा है पब्लिक नोटिस इंक्रीजिंग ऑफ MBBS सीट्स अंडर द AWS कोटा। अब इसको आपको ओपन करना है, आपका PDF ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मेंशन होगा हर एक कॉलेज में कितनी सीटें पहले थी, कितनी सीटें बढ़ी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें MCI की नोटिस है कि ये नोटिस कल की है, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बढ़ी। जैसे कि मैं बात करूँ आंध्रा की, तो आंध्रा में पहला कॉलेज है ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेल्लोर, यहाँ पे सीटें थी पहले 150 और EWS आने के बाद सीटें हो गई हैं 175, यानी 25 सीटें बढ़ी हैं EWS कोटा के तहत। तो आपको बता दें कि बहुत स्टूडेंट चाहते थे कि वो पूछना है कि सर किस स्टेट में कितनी सीटें बढ़ी हैं, तो ये MCI ने एकदम क्लियर कर दिया है कि किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें बढ़ी हुई हैं। आपको मिल जाता है हर स्टेट वाइज अलग अलग सीटों का कट ऑफ, किस स्टेट में कितने कॉलेज बढ़े। बात करूँ मैं अगर आपके सामने, जैसे कि झारखंड में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, यहाँ पे 30 सीटें बढ़ी हैं, पहले थी 150 अब हो गई 180। तो ऐसा आपको मिल जाती है हर एक स्टेट, यानी यूपी के साथ में जितने स्टेट हैं इंडिया के, सभी कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा इस आर्टिकल में। तो प्लीज़ अगर आप नए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और पाई मेडिकल की सबसे अच्छी सबसे अच्छे देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।